नमस्कार दोस्तों, मेरी यमी रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ सूजी का फटाफट सांभर बड़ा बनाना शेयर करते हैं। सुबह के भाग दौड़ में इसे आप 10 या 15 मिनट में तैयार कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी तैयार होता है, ऊपर से एकदम से क्रिस्पी। देखिए कितना क्रिस्पी तैयार हुआ है, और बाहर एकदम कुरकुरा है और अंदर बहुत ही सॉफ्ट तैयार हुआ है। धनिया मिर्ची हींग से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा बन के तैयार हुआ है, बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। देखिए कितना बढ़िया फ्लफी तैयार हुआ है। सांभर में डालने के बाद ये ऊपर तैर रहा है और बहुत ही बढ़िया तैयार हुआ है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम सूजी लेते हैं। सूजी को एक बाउल में डालते हैं। इसे आप केवल सूजी से तैयार कर सकते हैं। मेरे पास थोड़ा सा चना का दाल भिगोया हुआ पड़ा था, तो मैं उसे भी ऐड कर रही हूँ इसमें, और थोड़ा सा खट्टा सा दही हमने ऐड किया है इसमें। बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा खट्टा है, जिससे इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। और इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद इसे देखेंगे कि इसमें और पानी का ज़रूरत है या नहीं है। कम से कम इसे पानी डाल के हमें तैयार करना है, ताकि बड़ा बनाने में हमें आसानी हो। ज़्यादा गीला रहने से बड़ा बनाने में थोड़ा सा परेशानी आती है, तो अभी इसमें थोड़ा सा और मेरे को पानी डालना पड़ेगा। तो 4 टीस्पून के करीब हम इसमें पानी ऐड करते हैं और इसे मिक्स करते हैं। सूजी का है इसलिए इसे भिगो के छोड़ना पड़ेगा, ताकि सही चीज़ का पता हमें 10 या 15 मिनट के बाद पड़ेंगे कि कितना कड़क है, कितना मुलायम है। तो इसका डो थोड़ा सा मतलब कड़क होना चाहिए, बहुत ढीला सा नहीं होना चाहिए। तो इसे हम ढक के 15-20 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। और देखिए 15-20 मिनट हो गया है। अब इस तरह का ये सूजी फूल के तैयार हुआ है, तो हमें इस तरह का ही डो चाहिए। इसमें हम थोड़ा सा हरा मिर्ची कट करके डालते हैं, थोड़ा सा हमने धनिया और सौंफ को कूट के डाले हैं, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। स्वादानुसार नमक डालना है, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर डालते हैं, थोड़ा सा अदरक कूट के डालते हैं, थोड़ा सा कड़ी पत्ता डालते हैं और थोड़ा सा धनिया डालते हैं। इन सब से इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा और एकदम पकौड़ा के जैसा इसका टेस्ट बनेगा, जो आप चटनी और सॉस के साथ भी खा सकते हैं। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। इसका डो इसी तरह से रखना है हमें, ताकि बड़ा बनाने में हमें आसानी हो। अब इसे ढक के भी 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं और सांभर बनाना शुरू करते हैं। सांभर के लिए हम थोड़ा सा एक प्याज हमने चॉप करके लिया था, और थोड़ा सा तेल में हम इसे ऐड करते हैं और फ्राई करते हैं। तेल बहुत कम लिए हैं, 2 टीस्पून के करीब। थोड़ा सा हमने एक तुरई हमारे पास था, जो तुरई और लौकी हम इसमें ऐड कर रहे हैं। एक मिर्ची ऐड किए हैं और एक टमाटर ऐड किए हैं। इन सबको अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। थोड़ा सा अदरक कूट के डाले हैं और इन सबको फ्राई कर लेते हैं। तेल हमने कम से कम यूज किया है, और 3 टीस्पून के करीब हमने तुअर का दाल ऐड किया है, क्योंकि बहुत कम मात्रा में हम इसे बना रहे हैं। अब इन सबको मिक्स करते हैं, स्वादानुसार नमक डालते हैं। हम बहुत झटपट तरह से तैयार होने वाले सांभर बनना बता रहे हैं, और इसमें 1 गिलास के करीब पानी ऐड करते हैं, और इसे उबलने के लिए कुकर को बंद करते हैं, 4 सीटी लगा लेते हैं। ये हमारा सांभर उबल के तैयार हो गया है, देखिए इस तरह से। अब इसे मिक्स कर देते हैं, ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब ये अच्छी तरह से हमने मिक्स कर दिया है इसे। थोड़ा सा नमक ऐड करते हैं स्वादानुसार, सांभर मसाला ऐड करते हैं। 2 टीस्पून के करीब हमने सांभर मसाला इसमें ऐड किया है, और इसे मिक्स करते हैं।
हाफ नींबू हम खट्टा बनाने के लिए ऐड किए हैं, आप इसके जगह पे इमली भी ऐड कर सकते हैं, अमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून के करीब हमने नींबू का रस डाला है इसमें। अब छौंक के लिए हम 2 टीस्पून तेल, 1 टीस्पून राय ऐड करते हैं और 2 पिंच हींग ऐड करते हैं और उसे अच्छी तरह से पका लेते हैं। जब हमारा राय अच्छी तरह से चटक जाए फिर 2 मिर्ची ऐड करते हैं, 7 से 8 करी पत्ता ऐड करते हैं। थोड़ा सा हम इसमें लाल मिर्ची पाउडर ऐड करते हैं, जो कश्मीरी लाल मिर्ची है, थोड़ा सा कलर आ जाएगा सांभर के अंदर। और अब इसे सांभर के अंदर डाल देते हैं, ढक के इसे एक तरफ रख देते हैं और बड़ा का डो को देखते हैं। ये देखिए बहुत ही कड़क डो, अच्छा सा डो तैयार हो गया है। अब इसमें 1 टीस्पून के करीब हम सॉफ्ट बनाने के लिए, फ्लफी बनाने के लिए इनो का इस्तेमाल करते हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। ये हमारा डो तैयार हो गया बड़ा बनाने के लिए। हाथ में थोड़ा सा तेल लगाते हैं, इसे अपने हाथ में जितना बड़ा बनाना है उतना बड़ा गोला हम लेते हैं, थोड़ा सा इस तरह से, और चम्मच के ऊपर हमने थोड़ा सा तेल लगा लिया है। अब इसे चम्मच के ऊपर डाल लेते हैं और इस तरह से बीच में गोला सा छेदा कर देते हैं, थोड़ा बड़ा छेदा करते हैं और गर्म तेल को गर्म करके, जो तेल हाई फ्लेम पे गर्म करके, और फिर उसमें इस तरह से उल्टा करके छोड़ देते हैं, जो हमारे हाथ में भी नहीं पड़ेगा, हाथ भी नहीं जलेंगे, हमारा बड़ा आसानी से बन के तैयार हो जाएगा बिना मोल्ड का। अब देखिए इस तरह से चम्मच के ऊपर हमें डालना है और उसमें बीच में थोड़ा सा छेदा करना है और इसमें पलट देना है कढ़ाई में तेल के अंदर, और फिर इसे उलटते पलटते हुए पका लेना है। बहुत ही इजी स्टेप के साथ हमने ये बड़ा बनाना बताया है और बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है। देखिए इस तरह से चम्मच लेना है और थोड़ा सा तेल लगाना है चम्मच के ऊपर, और ये बड़ा का डो जो हमारा है सूजी का, उसे ऐड करना है, एक बड़ा सा छेदा करना है ताकि वो जाने के बाद थोड़ा छोटा भी हो जाए तो चलेगा, और फिर उसको इस तरह से उल्टा करके और छोड़ देना है। देखिए हमारा बड़ा कितना आसानी से बन गया और बिना मोल्ड का। अब इसे उलटते पलटते हुए सुनहरा होने तक पकाते हैं और निकाल लेते हैं। ये हमारा बड़ा तैयार हो गया, बहुत ही क्रिस्पी तैयार होता है सूजी का बड़ा। और एक बॉल में अब सांभर निकालते हैं, बड़ा ऐड करते हैं, ऊपर से थोड़ा सा प्याज, सॉस, आप जो भी खाना चाहें वो ऐड कीजिए।